कहानी दिखाएंगे, ठीक है। किस चीज पे है? गुड टच बैड टच। गुड माने क्या होता है? अच्छा। बैड माने बुरा, खराब, है ना। टच माने छूना। तो गुड टच मतलब अच्छा छूना, बैड टच मतलब बुरा छूना। जैसे क्या होता है, अगर टीचर जो होती है वो प्यार से आपको थपथपाती हैं या कोई कभी गले लगाती है प्यार से, तो कैसा लगता है अंदर से? अच्छा लगता है। लेकिन अगर कभी कोई टीचर आपको थप्पड़ मारे तब कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। अब पहले हम लोग एक स्टोरी देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से सब लोग देखना। तो हम अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। और अम्मी कहती
सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। वो क्या? वो ये कि हम अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए तो हम अपना ख्याल रखते हैं। हाँ, हम अपना मुंह धोते हैं, बाल जमाते हैं, खाना खाते हैं और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कोई हमें नुकसान ना पहुँचाए, और लोग जब हमसे मिले और हमें हाथ लगाए तो वो हमें अच्छा लगे, ना कि बुरा और तकलीफ दे। वो कैसे टीना? इनको आप इन्हें बताते हैं। जब हम प्यार से किसी को गले लगाते हैं, या फिर नानी अम्मा अम्मी अब्बू या दोस्त वगैरह हमें गले लगाते हैं, उसे कहते हैं अच्छा हाथ लगाना, क्योंकि इससे हमें दिल से अच्छा महसूस होता है। हाँ, जैसे टीचर हमें धक्की देती है। हाँ, जैसे अब्बू अपने पास बिठा कर कहानियाँ सुनाते हैं। और जब दादी और टीचर सर पर हाथ रखते हैं या कंधे पे धक्की देते हैं, और इसको कहते हैं लोग बच्चों को एक अलग तरह से हाथ लगाते हैं, जो कि छुपकर लगाया जाता है, या फिर बच्चों से कहा जाता है कि वो इसे राज रखें और किसी को ना बताएं। और ऐसा कोई भी कर सकता है, कोई भी बड़ा इंसान या बड़ा बच्चा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो राज का हाथ लगाना है? एक तो ऐसे हाथ लगाने वाला इंसान इसे राज में रखने को कहता है, दूसरी बात जब कोई ऐसे करता है तो बच्चों को शर्म आती है, या डर लगता है, या गुस्सा आता है, और बच्चों को पता भी चल जाता है कि ये कुछ गलत है। इस तरह से भी पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है। लेकिन बच्चों, ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, और फौरन अपने अम्मी या अब्बू या किसी बड़े बहन भाई या किसी और बड़े को बताना चाहिए। ऐसे में खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। बच्चों की गलती नहीं होती? नहीं बेटा, इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं होती। ऐसे लोग बच्चों को मारते हैं? ऐसे लोग बच्चों को बहुत कम मारते हैं, वो ज्यादातर बच्चों को टॉफियां या पैसे देते हैं, या डरा कर अपने पास बुलाते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग बच्चों से बहुत प्यार भी करते हैं, खेल खेल में अपने पास बुलाते हैं, या बच्चों को उस वक्त अपने पास बुलाते हैं जब वो उदास या परेशान होते हैं। ऐसे में भी बच्चों को फौरन पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है, क्योंकि उनको दिल में शर्म, डर या गुस्सा महसूस होता है। अरे हाँ, और जब कोई ऐसा करे तो हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप भाग भी सकते हैं, चीख भी सकते हैं, और किसी को मदद के लिए भी पुकार सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात ये कि अम्मी अब्बू को इसके बारे में फौरन से बताना है। शाबाश बच्चों। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे लोग बच्चों को अगवा करते हैं। हाँ, कुछ लोग बच्चों को अगवा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तो फिर आप लोग भी बताएंगे? हाँ, बताएंगे। मैं भी बताऊंगी। और मैं भी बताएंगे। Oh,
कहानी सबको कैसी लगी? अच्छी लगी। समझ में आई? एक मिनट रुक जाओ। कैसी लगी स्टोरी सबको? अच्छी लगी। समझ में क्या आया, किसी को पता है? यस मैम। दो तरीके का हाथ बनाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि देखो, बहुत जरूरी बात है ये, लड़के लड़की हर किसी को पता होनी चाहिए। क्या होता है कि कुछ लोग तो हमें प्यार से हाथ लगाते हैं, लेकिन कई बार लड़कियों ने या लड़कों ने भी, लड़कियों ने स्पेशली, ऐसे देखा होगा कि कई बार आपको कोई छूता है तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा आदमी है वो आपको छू रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से ये लगता है कि नहीं, ये गलत तरीके से हमें छू रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए जब ऐसा हो? देखो, डरना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है? कभी भी डरना नहीं चाहिए। वो बात तुरंत अपने मम्मी पापा को या टीचर को बताना चाहिए। क्या होता है जब कोई हमें गलत तरीके से छूता है, कोई आदमी, ज्यादातर हम अकेले में होंगे, जब अकेले में है तब वो ऐसे करेंगे, और जो आदमी बहुत ज्यादा प्यार दिखाए, जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाए, अरे बेटा और खूब सारा सामान खाने पीने को दे, कभी भी उसकी बातों में मत आओ, क्योंकि गलत तरीके से पहले वो आपको लालच देगा, टॉफी देगा, चॉकलेट देगा, आप भी सोचोगे, और फिर जब वो आपके साथ गलत तरीके से कहीं टच करेगा तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा। कई कई बार ऐसे ही लोग प्यार से फुसला के बच्चों को बेच भी देते हैं। ऐसी भी चीजें होती हैं, बहुत गंदी गंदी चीजें होती हैं दुनिया में। अच्छा, हमारे कुछ होते हैं, हमारे हाथ को किसी ने छुआ, गाल को किसी ने छुआ, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं प्राइवेट पार्ट्स। क्या होते हैं प्राइवेट पार्ट्स? कौन से पार्ट्स होते हैं? जो हम, देखो, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम किसी के सामने नहीं पहनते, हम अकेले में ही पहनते हैं जी। वो चीज क्या है? प्राइवेट पार्ट्स। उनको कोई ना छुए। कोई भी अगर इस तरह की गंदी हरकत करे तो डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोग क्या करेंगे, कई बार हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ गलत करे कोई चीज, उसके बाद में अगर तुमसे ये भी कह दे इसको अपने पापा को मत बताना, मम्मी को मत बताना, तुम्हें डरा भी सकते हैं, ऐसी चीजें मत बताना। अगर बताओगे लोग तुम्हें ही खराब कहेंगे, लेकिन लोग तुम्हें खराब कभी नहीं कहेंगे, तुम लोग तो बच्चे हो, क्योंकि तो कभी भी कुछ हो, कोई भी घटना हो, वो हमेशा अपने मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, स्कूल में टीचर से बताना चाहिए। आज सबको गुड टच और बैड टच समझ में आ गया ना? कहानी अच्छी लगी?